चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। शाहरुख भाई क्या हुआ, दुनिया दी उस नुकरे जाके क्या करना जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे? बस यार ये दुनिया मतलब की है और इसीलिए इस दुनिया से दिल उठ गया हमारा। दुनिया पैसे की है मेरे यार। और ये गाना भी ना दुनिया पैसे दिखा है, हबीब और फरदोस जी पर पिक्चराइज हुआ था। ओए अब तो वैसे भी जमाना बदल चुका है ना, फरदोस रही ना ही हबीब साहब और ना ही टांगा घोड़ा। अरे फिल्म हीर रांझा में क्या फरदोस लगी है, अगर असल हीर उसको देख लेती ना फरदोस जी को तो उसका हुस्न डगमगा जाता, इतना तो रहे था उसके सामने। सच बोलता हूँ शाहरुख भाई, बड़ी मालूमात है तुमको फिल्मों के बारे में। और वैसे भी मैं तफैल अख्तर दादा के पास बैठता रहता हूँ। अब ये क्या दादागिरी है, दादा कहाँ से आ गया? तो फैल अख्तर दादा यासिन गुरेजा साहब गए, पुराने वक्त के साफी हैं। मुझे तो गुरेजा साहब का भी नहीं पता। अरे कम वक्त मनहूस मारे चार जमाते पढ़ लेते तो कम से कम तुम्हें पता होता कि ये लोग कौन है। हा? और तुम बी ए करके कौन सा अफसर लग गए हो? अरे खैर नौकरी तो किस्मत में थी नहीं, वो मिली नहीं, और ये टैक्सी मेरी किस्मत में थी और ये मुझे मिल गई। छोकरी? अरे वो भी मिल जाएगी अगर किस्मत में हुई तो। ये बताओ टैक्सी खाली है? खाली थी तो बैठ गई आप, बाय द वे जाएंगे कहाँ? ये टैक्सी आज मैंने सारे दिन के लिए हायर कर ली है, मैं आगे बैठूं या पीछे बैठूं तुमको एतराज नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ घूर कर क्या देख रहे हो, मुंह मांगा किराया दूंगी, और कुछ और भी चाहिए होगा तो बता देना। ओके और से आपका क्या मतलब है? अब तुम इतने भी चूचे नहीं हो, चलो टैक्सी चलाओ। और हाँ ये तो आपने बताया नहीं आपने जाना कहाँ। तुम चुपचाप टैक्सी चलाते जाओ और मेरे इशारे देखते जाओ, जहां मैं इशारा करूंगी ना तुम बस वहां रुक जाना। आप इस साइड पर मोड़ लें। अब आप इस तरफ मोड़ लें। रुके रुके रुके, बस इस गेट के सामने रोक दें। तुम अब मेरा यहीं पे इंतजार करो। कब तक वापस आ जाएंगी? एक घंटे तक आ जाऊंगी। ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता मैं। मैंने कहा ना तुमको मुंह मांगे दाम दूंगी, फिर तुम्हें क्या मसला है? देख ले अपनी बात से मुकर ना मत अब। जब मैं मुंह मांगे दाम ले सकती हूँ तो मुंह मांगे दाम दे भी सकती हूँ। अरे हम आपके इंतजार में कहीं मरी ना जाए। कैसे कैसे लोग टकर जाते हैं। अरे वाजी वाह, नाम मोहम्मद शरीफ और काम वाले। नाम शरीफ वाले और काम कमीने वाले। एक घंटे बाद आएगी।
एक घंटे का कितना लेती हो तुम? क्यों, तुम इनकम टैक्स वाले हो? अरे इनकम टैक्स वाला नहीं हूँ, वैसे ही पूछा आपसे। ज्यादा सवाल मुझे पसंद नहीं है, चलो अब। जब से टैक्सी में बैठी हो ना, मेरी टैक्सी चल रही है। अब जाना कहाँ पे आपने? फिर सवाल? बस मेरे इशारों को फॉलो करो, गाड़ी चलाएं। जो हुक्म मेरे आका। रुके रुके, बस इस गेट के सामने रोक दे। अरे क्या एक दिन में ही सारे शहर के लोगों से मिलेंगी? अब यहाँ कितने घंटे लगेंगे आपको? 2 घंटे, हो सकता है 3 घंटे भी लग जाएं। ओके, वैसे यहाँ पे कोई खास बात है? ये साला कुश्ते बहुत खाता। नाम नेक मोहम्मद और काम तोबा तोबा। वो साला शरीफ था और ये साला नेक है। वो मोड़ा तेरे रंग, बुड्ढी मोटी और बुड्ढा तंग। क्या बात है, खैर तो है? तुमको बताया तो था ये साला कुश्ते बहुत खाता है। बहुत जालिम था, इसने तो मेरा इंजर पिंजर हिला दिया है। अब तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। एक शरीफ आदमी को टाइम दिया हुआ था, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं। अब 2-3 दिन आराम करूंगी। हेलो जान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शेख साहब, जान में आज जान नहीं है, आज के लिए माजरत, परसों हाजिर हो जाऊंगी। 2 दिन मुझसे सब्र नहीं होना। शेख साहब, सब्र का फल मीठा होता है। तुम तो पहले ही बहुत मीठी हो। आपकी इनायत है जो ऐसा समझते हैं। परसों फिर डन? क्यों नहीं शेख साहब, बिल्कुल डन, बन सब्र कर आऊंगी। तुम्हारी इसी अदाओं पर तो मर मिटा हूँ। साला अदाओं पर मरता है और पेमेंट करने से भी मरता है। हयाशी भी कंजूसी से करता है। इस गलाजत भरी जिंदगी में कब तक रहोगी? जब तक मेरे जिस्म में कशिश है, जब तक इस दुनिया में गलीज लोग हैं। ये गलीज लोग तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, पर तुम में ये जो कशिश है ना, वैसे भी सारी उम्र नहीं रहेगी। पर अभी तो तुम जवान हो ना, दर्द की ठोकरें खाने से बेहतर ये है कि एक के होकर बैठ जाओ कहीं। अल्लाह के अजाब से भी बचोगी और तुम्हारा बुढ़ापा भी संवर जाएगा। और शौहर के साथ ना जिंदगी भर का होता है। और वैसे भी ना तुम्हारे जिस्म को नोचने वाले गिज्जू होते हैं ना, वो तुम्हारे इर्द गिर्द उस वक्त मंडलाते हैं जब तक तुम पर खूबसूरती और जवानी है। हाँ, और जब ये तुम्हारी जवानी ढल जाएगी ना, फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा और तुम्हारी तरफ कोई देखना भी गवारा नहीं करेगा। और फिर क्या करोगी तुम? तुम्हारी बातों में वजन है। चल 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 चलती ही जाए, बड़ 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 बढ़ती ही जाए। वक्त मुश्किल ही सही, वक्त बदल सकता है। सुबह उम्मीद का सूरज भी निकल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगेगी।
आज की कहानी और इसके किरदारों को देख के मुझे मारूफ सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श का एक खूबसूरत शेर याद आ गया। आपकी नजर करती हूँ। सदा न रूप गुलाबा उते, सदा न बाग बहारा, सदा न भज भज फेरे कर सन तोते भवर नजारा। नाजरीन, इस दुनिया में हर शय फानी है, ये आप सब भी जानते हैं। किसी भी चीज को हमेशा कायम नहीं रहना, चाहे हुस्न जवानी हो, बाग बहार हो या इंसान खुद ही क्यों ना हो, हर शय को एक दिन मिट जाना है। इसी तरह कोई भी वक्त, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा नहीं रहता। हर अच्छा और बुरा वक्त गुजर जाता है। वक्त की शायद ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि वो हमेशा एक सा नहीं रहता। इसीलिए हर मुसीबत और परेशानी गुजर ही जाती है, लेकिन आपको हमेशा अपने आप को अच्छाई की तरफ लेके जाना चाहिए। मुसीबत परेशानी ये सब वक्ती हैं, और इन वक्ती चीजों के हल के लिए हमें अपने अमाल को खराब नहीं करना चाहिए। अपने अमाल को हमेशा दुरुस्त सिमत में रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये बुरा वक्त और परेशानी तो खत्म हो जानी है, लेकिन हमारे अमाल हमेशा के लिए लिख दिए जाते हैं और फिर उसकी सजा भी। आज की इस कहानी में शाहरुख ने भी इस कहानी में मौजूद किरदार को यही समझाने की कोशिश की, और शायद वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया। क्योंकि जानते हैं, जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो फिर आप पर जरूरी नहीं कि किसी वाइज मुल्ला की हिदायत ही असर करे, किसी आम इंसान की हिदायत भी अमल कर जाती है। किसी की छोटी सी बात आपके दिल पर असर कर जाती है। जिस तरह बुराई हम सबके अंदर मौजूद है, इसी तरह अच्छाई भी हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। इसलिए जरूरी नहीं कि आपका नाम हाजी, नेक या शरीफ ही हो तो ही आप जो है मक्की, परहेजगार और नेक हैं। बस दिल और नीयत साफ रखिए जनाब, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि क्या पता कोई बात किसी के दिल पर असर कर जाए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए शाहरुख की टैक्सी। अल्लाह हाफिज। चल 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 चलती ही जाए, बड़ 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 बढ़ती ही जाए, चल 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 चलती ही जाए, बढ़ जाए बढ़ती ही जाए, दौड़े जाए ये रुकती नहीं, अरे दौड़े जाए ये रुकती नहीं, ये है शाहरुख की।